तो बेसिकली गूगल सीट हम बात कर रहे हैं, तो गूगल सीट के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल ड्राइव खोलना होगा जहां पे अपने फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव, जीमेल से अगर फाइल लेके गूगल ड्राइव में जाने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए अटेंडेंस सीट आपके सामने दिखा, तो मेल पे मान लीजिए किसी ने मुझे फाइल भेजा है अटेंडेंस सीट का, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक्सेल फाइल है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, सीट दिख जाएगा, व्यू दिख जाएगा, एक्सेल व्यूअर में दिख जाएगा। लेकिन जैसे आप ओपन विद गूगल सीट करेंगे तो फिर एक गूगल सीट के अंदर उस फाइल को लोड कर देगा। तो मेल से कोई फाइल को गूगल सीट में ला कर देखनी हो तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में चला जाता है। ओके ओके सर। लेकिन जब आपको कोई फाइल बनानी है नए सिरे से, तो फिर गूगल ड्राइव में न्यू पे जाके अपनी फाइल को क्रिएट करना है। जैसे मैंने बताया था कि इसमें आप गूगल सीट में जब आते हैं तो आपके पास फॉर्म टैम्पलेट आता है, जहां से आप टैम्पलेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं बने बनाए। ठीक है। ब्लैंक वर्कशीट पे करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लैंक वर्कशीट आएगा। अब ब्लैंक वर्कशीट आने के बाद ऊपर आपको यहाँ अनटाइटल है, यहाँ पे अपना नाम जो भी नाम देना है और नाम आप दे सकते हैं, जो भी नाम रखना चाहे, और ऑटोमेटिकली ये आपका गूगल ड्राइव में सेव हो जाता है। मतलब जो भी आप फाइल क्रिएट करते हो गूगल ड्राइव के अंदर सेव होता है। ठीक है ठीक है। अब ये आपके सामने दिख रहा है, अब इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, जूम करना है, तो आप यहाँ से आप जूम कर सकते हो, या कम करना है तो कम कर सकते हो। ठीक है ठीक। और इसके बाद जैसे अब इसमें कितने रो है, तो नीचे आओगे तो आपके 1000 रो दिखेगा, 1000। अब ऐसा नहीं कि 1000 इसकी लिमिट है, क्योंकि सर अब जैसे एक्सेल पे आप जाते हैं तो एक्सेल में आपको 1000000 रो मिल जाता है। हाँ। मिल जाता है ना सर। तो ये लोडेड होता है ना, लेकिन गूगल ने ऐसा नहीं किया। गूगल में आपको था, क्योंकि गूगल में अगर ज्यादा बड़ा होगा तो उतना टाइम लगेगा उसको लोड होने में सर। हाँ। क्योंकि वेब एप्लीकेशन है ना, डाउनलोड करेगा, आपकी इंटरनेट की कंडीशन में बहुत सारी चीज पे इफेक्ट करेगी ना, इसलिए बाय डिफॉल्ट 1000 लगता है। आपको चाहिए तो 1000 करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है, 1000 और ऐड हो गया, क्लिक कर दिया 3000। हाँ। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको ऐड कर लो। सेम कॉलम की बात करें तो आपका कॉलम ए से लेके जेड तक, ठीक है। लेकिन अगर इसे मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करके मुझे ऐड करना है इसके, तो राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, तब क्या होगा, ठीक है, तो आप देखिए ए आ गया आपको, ठीक है। तो ऐसे कॉलम ऐड करते जाओ, कॉलम हमेशा एक एक ऐड होता है सर। जितना कॉलम सेलेक्ट करे, जैसे मैंने यहाँ पे 5-7 कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 4 कॉलम ऐड होगा। ओके ठीक है समझ गया। ठीक है तो आप कॉलम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो रो कॉलम कैसे ऐड करा, समझ में आ गया जी सर। अब इसमें जो कर्सर है इसको कैसे मूव करेंगे, एरो की से इस कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है। एंटर से भी नीचे, एंटर से जब एंटर करेंगे तो फिर इसके अंदर कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा। जनरली हम एक्सेल में आते हैं तो कर्सर जब एंटर पर करते हैं तो नीचे जाता है ना। हाँ, यहाँ पे इंटर नीचे नहीं जाता है, क्योंकि मुझे मान लीजिए यहाँ पे टाइप करना है, मुझे मान लीजिए इसी में टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे पूछ, यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम लिख दिया। अब कल के डेट में मुझे नेम नहीं, इसमें कस्टमर नेम लिखना था, तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक कर्सर चला जाएगा। ओके, वहां ले जाकर जैसे एंटर करेंगे कर्सर अपने आप चला जाएगा। हाँ, उसको आप उसको चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर एक बार एंटर मारेंगे तो यहाँ पे एंटर मारेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है ठीक है। और शिफ्ट के साथ मारेंगे तो ऊपर जाएगा, जैसे हमारा एंटर हो गया, अब शिफ्ट के साथ मारूंगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। ओके। ऐसे टैब से, कीबोर्ड के टैब की से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे आएगा। ओके। और एरो की तो यूज कर ही रहे हैं आप, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है राइट सर। ठीक है, शिफ्ट टैब से पीछे आएगा सर, और ऊपर जाने के लिए आपने क्या बोला था, शिफ्ट के साथ एंटर करने पे। हाँ, ऐसे आप एरो की के साथ चले, लेफ्ट राइट अप जो एरो की है उसको यूज कर सकते हैं, उसकी दिक्कत उससे। हाँ ठीक है ठीक है डन। ठीक है ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाया, अरे ठीक है सर,
और डेटा कैसे बनाया इसके बारे में बात बात करेंगे। फिलहाल मान लीजिए मेरे पास डेटा है, तो गूगल सीट में कुछ भी करना है, चाहे एक्सेल में कुछ भी करना है, हमें जरूरत पड़ती है सिलेक्शन की। बगैर सिलेक्शन के कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, नहीं कर सकते। तो डेटा सिलेक्ट करना सबसे पहले जरूरी है। तो डेटा कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो डेटा सिलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करें और माउस पॉइंटर को मूव करें। जैसे माउस पॉइंटर जाएगा आपका आपका सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक को रखते हुए क्लिक किया, क्लिक को होल्ड रखते हुए जैसे कर्सर मूव करेंगे आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और भी है कि आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें, शिफ्ट की को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें। ठीक है, शिफ्ट को दबाए रखें। जी हाँ, ओके। जैसे होता क्या है कि कर्सर यहाँ आपका है, मैं यहाँ से अगर एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे आएगा, नीचे आया। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्सर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे आया ना। तो डिफॉल्ट क्लिक करने से क्या होता है, कर्सर सब नीचे नीचे आ जाएगा अल्ट के साथ। नहीं नहीं, नॉर्मल नॉर्मल। हाँ ठीक है, नॉर्मल क्या शिफ्ट के साथ आप कह रहे हैं। मैं बोल रहा था आपको कि अगर यहाँ पे कर्सर है और मैंने नॉर्मली यहाँ क्लिक किया तो कर्सर जंप यहाँ कर जाता है, डन डन। लेकिन मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो कर्सर जंप नहीं होगा, सिलेक्ट होगा। शिफ्ट शिफ्ट के साथ मतलब सेलेक्ट के साथ वहाँ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट एंडिंग में क्लिक करे और स्टार्ट पे क्लिक कर दे, स्टार्ट में क्लिक करे या एंड में क्लिक, एंड पे क्लिक कर दे। ठीक है, अगर कीबोर्ड सिलेक्शन की बात करें तो आप कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन ध्यान रखिए एक ही बार कीजिएगा, अगर आपने दो बार किया तो पूरी शीट सिलेक्ट तो, हाँ ठीक है। तो आप सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ वन टाइम, नहीं तो पूरी शीट सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है सर, गॉट इट। अब एक चीज और भी है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लैंक रो है, ब्लैंक कॉलम है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ तो मेरा एक कॉलम सिलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, नहीं जैसे ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रो आता है, आपका कंट्रोल ए जो है उसके नीचे की डेटा को सिलेक्ट नहीं करता है। नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो नीचे की डेटा को सिलेक्ट नहीं करता है, इसलिए देख लीजिएगा कि अगर कोई ब्लैंक रो या कॉलम है तो फिर मैनुअली सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल ए के ऊपर ब्रीफ मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पूरी रो ब्लैंक। अगर सिर्फ किसी एक सेल पे भी मैं जीरो टाइप कर दिया तो अब आप देखेंगे कंट्रोल ए करते ही सेलेक्ट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़े। जी सर, अब इसमें अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है कि मुझे अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना हो तब क्या करेंगे। तो कंट्रोल को होल्ड रखिए और जहां यहां क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक होल्ड रख के मैंने यहां क्लिक किया, तो कंट्रोल को होल्ड रखते हुए हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। होता है कि आपको पूरा, क्योंकि आप अगर माउस से क्लिक करते हैं नॉर्मली तो पूरा एक सीरीज सिलेक्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा आया। लेकिन मुझे कुछ कुछ सिलेक्टेड चीज चाहिए तो हम कंट्रोल से कंट्रोल को होल्ड रखते हैं प्रेस करते हुए और जहाँ 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 चाहिए वहाँ वहाँ क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कॉपी किया जा सकता है? जी नहीं, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। अगर कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो एक लास्ट वाला सेल सिलेक्ट कॉपी होगा, बाकी सेल्स कॉपी नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ और बॉर्डर कुछ और करना है तो कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं होगा। कॉपी नहीं होगा, कॉपी कब होता है? जब सिक्वेंस में सिलेक्ट होता है, जैसे ए वन सी वन ई वन। अब इसको कॉपी करेंगे तो तीनों कॉपी हो गया, और जो कहीं भी पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, हो गया सर पेस्ट। क्यों? इसे आपने सीक्वेंस ए वन सी वन और ई वन सेलेक्ट किया हुआ, सब एक ही रो में है। अगर मान लीजिए मैं थ्री सेलेक्ट किया तो अब ये कॉपी नहीं होगा,
मुझे अगर थ्री सिलेक्ट करना है तो सी का भी थ्री सिलेक्ट करना होगा और ई का भी थ्री सिलेक्ट करना होगा, मतलब जो ऊपर वाले रो में है उतना ही सिलेक्शन नीचे वाला रो में होना चाहिए, और सेम ओके कॉलम, कोई और कॉलम नहीं, सेम कॉलम। देन हम कॉपी करेंगे, तो फिर हम अब कॉपी करते समय क्या आप करेंगे, तो आप जब यहाँ जहाँ डेटा है वहां देखिए अलग अलग सेल्स पे है ना, गैप है ना, हाँ लेकिन जब पेस्ट करेंगे तो इकट्ठा पेस्ट होगा। अच्छा ठीक है सर, हाँ समझ में आ गया। आ गया आ गया। अब बट क्या है ये कि क्यों, बोलिए लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ जब बीच वाला सेल हमने सेलेक्ट नहीं किया इस तो वो नहीं, खाली भी आ कॉपी सकता करने के था? बाद जब पेस्ट होगा तो सीक्वेंस पेस्ट होगा, खाली पेस्ट नहीं करेगा। खाली पेस्ट करना है ठीक तो पूरा सेलेक्ट कीजिए ना, बीच में मतलब खाली है, यहाँ पे खाली है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर दिया, तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से ए और ए सेलेक्ट करूँ तो जी खाली है वो भी आना चाहिए, तो इस तरह सेलेक्ट कीजिए तो आपका ओके जी ठीक जो है। खाली है वो पेस्ट हो जाएगा। हो गया सर। ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया हाँ कंट्रोल, जैसे आपने एफ को कंट्रोल क्लिक क्लिक करके एच कॉपी किया, अब मल्टीपल सिलेक्शन कॉपी है, अगर इसको पेस्ट करेंगे तो सीक्वेंस में पेस्ट होगा, ठीक है समझ गया। समझिए ना सर। चलिए अब बात करते हैं मल्टी सीट सिलेक्शन की। जैसे मैं यहाँ पे कई सारे सीट इंसर्ट कर देता हूँ, कर दिया सर, देखिए कर पांच सीट दिया इंसर्ट कर दिया। जी सर। अब मुझे क्या करना है कि हर सीट के A1 पे हमें डेट लिख, A1 पे डेट और A1 B1 पे डेट लिखना है। तो ठीक आप क्या है करेंगे कि A1 पे आप टाइप करेंगे, B1 पे टाइप करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट करेंगे ना सर। हाँ एक तरीका और भी है कि मैं शिफ्ट को होल्ड करूं और सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक कर दूं। एक सेकंड, शिफ्ट को होल्ड करो फर्स्ट वाली सीट को और सबसे लास्ट वाली सीट पे पहले वाले क्लिक सीट को करो। क्लिक किया और शिफ्ट की को ठीक प्रेस है कर ठीक प्रेस कर करते हुए है लास्ट वाले सीट पे क्लिक किया तो सारा सीट सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो गया ना सर। अब मैं अच्छा कुछ भी ठीक है। करूंगा ये पांचों सीट में होगा, मैं कुछ भी करूंगा तो क्या होगा पांचों सीट में होगा। पांचों सीट पे होगा। मैं यहाँ पे लिखा टुडे और यहाँ पे डेट दिया, आप ठीक देखेंगे है ठीक सीट 1 सीट 2 नहीं हुआ इसमें, एक मिनट शिफ्ट है का ठीक इशारा मैंने इसको क्लिक किया, नहीं ये फीचर्स यहाँ पे नहीं है सर, ठीक है ये फीचर आपका इसमें नहीं है। हाँ सीट के ऊपर कुछ भी कर सकते हो, जैसे डुप्लीकेट बनाना, कलर चेंज करना, इसकी टैब कलर चेंज करना है, सब इकट्ठा चेंज हो जाएगा। अच्छा। टैब कलर भी नहीं हुआ। यहाँ पे टैब कलर हो जाना चाहिए था, हो गया सर। अच्छा टैब कलर हो गया। सीट के ऊपर कर सकते हैं, ये फीचर एक्सेल में होता है सर, ठीक है ना। ठीक है एक्सेल में अगर आप कई सारे सीट सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, तो आप देखेंगे हर ठीक सीट पे है सीट 2 पे सीट 3 पे सीट 4 पे सेम लोकेशन में होगा, बट इसमें ठीक क्यों है नहीं हो रहा है, सेम होता है, ठीक है। अच्छा पहले तो होता था, लग रहा हटा दिया गूगल ने। क्योंकि जैसे ही मैं सीट के अंदर क्लिक करता हूँ सीट एक्टिवेट जो सिलेक्ट है वो गायब हट जाता है, ओके ठीक है ठीक है सीट हट जाता है, बाकी कुछ करने नहीं देता। चलिए इसको रहने दीजिए, फिर समझ में आ गया ना सर आपको डेटा कैसे सिलेक्ट जी करेंगे, सर जी सर। दिक्कत है। अब इस पे टाइप कैसे करना है वो तो मैं आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था ना क्या कि डेटा टाइप कैसे करेंगे इसके अंदर, हमने ए हम वाली मैनुअल फाइल टाइप बनाई ही तो थी है नाइन ना। थर्टी में, ए वाली फाइल बनाई थी, देखिए आपको कुछ नहीं, आपको सीट पे जाना है और पहले तो आप डेटा बनाना चाहते हैं तो हेडिंग डालिए फिर डेटा बनाइए, अगर आप मान लीजिए ठीक है कोई कुछ समरी बनाना चाहते हैं तो फिर उसका फॉर्मेट तैयार करें, जैसे कि हमने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में ये चीजें समझाई थी यहाँ इसमें,
कि हमने क्या किया था, एक समरी शीट बनाया था और दूसरा हमने एक डेटा ठीक शीट है ठीक बनाया था, और डेटा है शीट में हमने सीआरएम लॉग पहले होना चाहिए, चीज आपको हमने समझाई थी, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अब आप क्या करें, एक छोटा सा डेटा लें और उसको सिलेक्ट करने की प्रैक्टिस करें,